16 सालों से कृष्ण की पालकी का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। कांजुर मार्ग में आयोजित होते आ रहे इस कार्यक्रम में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने कई अलग अलग तरह के स्टॉल भी लगाए हैं, कहीं किताबें तो कहीं कृष्ण के नाम के कपड़े और बैग भी बिक रहे हैं। प्रोग्राम 15-16 साल से चल रहा है, तो एक्चुअली पहले तो छोटा रूप में था, तो धीरे धीरे ये बड़ा हुआ, तो इसमें सारे भक्तों का योगदान है और सारे भक्तों इस कॉलोनी से ही है। तो इस छोटा सा कॉलोनी में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें से हमारा जो ये प्रोग्राम्स है, सब लोग कहते हैं बहुत सुंदर और सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। तो इसमें धीरे धीरे हम लोग इसको और भी आगे बढ़ाने की प्रयत्न कर रहे हैं। Since 16 years we are also distributing Srila Prabhupada books here only, in his stall only. We are distributing Srila Prabhupada books in every Ratha Jatra festival. Previously it was happened 2 days program, now it was happening 3 days program, and there are so many people is coming to celebrate the Jagannath festival, because Jagannath is the lord of the all the universe, so many people are coming to celebrate the festival. Mostly 3000 people, 4000 people are coming together all together, and they are taking the darshan of Lord Jagannath, and they are visiting all the stalls, and they are also looking after these books, because some of the people are inquiring about the absolute truth, what is the Lord, and they are also taking these books and to give the someone relative or to their friends, so they are visiting this book stall, and they are also inquiring, so what is these books, Bhagavad Gita, these are the spiritual books, and they are also inquiring, this is all about our mind or peace, this is all yoga system, so they are taking also small books and they are enjoying their lives. कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनके भक्त अपनी भक्ति लोगों के सामने भजन कीर्तन के माध्यम से प्रकट करते दिखाई दिए, जहां बड़े ही भक्ति भाव से लोग मग्न होकर भजन का आनंद ले रहे हैं। कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संघ परम रजित, दिस मीन्स दिस कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, ओशन ऑफ फॉल्ट्स, पूरा पापों से भरा हुआ है, लेकिन कीर्तन ही एक ऐसा है जो जीव को मुक्त कर सकता है। सो दीज आर माई टीम्स, ये मेरा टीम है, ही इज वायलिन प्लेयर, सी इज वोकल, दिस प्रभु इज ऑल्सो वोकल, लीड करते हैं कीर्तन, मेरा टीम है पूरा। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ अदर डिवोटीज सो दैट वी कैन कन्वर्ट देम इनटू टर्म्स ऑफ डिवोटीज। तो हम लोग यहाँ पर बस चाह रहे हैं, हमारा इच्छा है कि लोगों का हृदय टच छू जाए ये कीर्तन, ताकि वो भी कृष्ण भक्ति में आ सके। हरे कृष्ण। वहीं हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ आती है, लोगों को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जाता है। लगभग 16 साल से जो है 16वां साल है, 16 साल से कार्यक्रम चल रहा है, और महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी अलग अलग व्यवस्था किया गया है। महिलाओं के लिए भी बैठने की व्यवस्था अलग की गई है, और पुरुषों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। प्रसाद के लिए भी महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था किया गया है, और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था किया गया है, और किसी प्रकार की यहाँ पर अव्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि जो भी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं सब बड़े जो है जिम्मेदारी के साथ कार्य का निर्वाह करते हैं। हर कोई अपनी अपनी तरह से कृष्ण की भक्ति करते हैं, किसी को बाल गोपाल ने मोह लिया तो कोई उनकी रासलीला में खो गया, जिसे कृष्ण के भक्तों ने एक नृत्य और नाटक के माध्यम से लोगों के बीच कृष्ण को दर्शाने का प्रयास किया है। लोगों तक हम वही पहुंचाना चाहते हैं कि अगर तुम गॉड को लव करना चाहते हो, सो यू कैन डू एनीथिंग फॉर गॉड, जस्ट यू हैव टू शो योर लव एंड डिवोशन, देन रेस्ट ऑफ द थिंग इज इन हैंड्स ऑफ कृष्णा। रुक्मिणी भक्त है, मैंने भक्ति की, उन्होंने कभी कृष्णा को देखा ही नहीं था और फिर भी उनसे प्यार कर दी थी, भक्ति कर दी थी, वैसे लिखा है बस, आत्मा से छुटकारा पाने का। लेकिन मैं यह सब कैसे करूंगी? हम लोग जो आज नाटक दिखा रहे हैं वो है रुक्मिणी हरण, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रुक्मिणी ने जो
खत लिखा था कृष्णा के लिए, तो किस तरह से उन्होंने अपना ये बताया है कि किस तरह से वो उनको कब से प्रेम करती है और कि भगवान को कहती है कि आप आकर मुझे लेके जाओ, मेरा पूरा जीवन जो है आपके ऊपर नौछाहर है, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो ये जो महत्वपूर्ण भक्ति का भाव जो दिखाया है रुक्मिणी ने, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन कोई और विकल्प भी तो नहीं है। हमारे कॉलोनी में 17-18 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है। पहले छोटे उसमें चालू था, अब ज़्यादा उसमें हो रहा है। आप देख ही रहे हो कितने यहाँ जनता आ रही है। इससे ज़्यादा कल होगी भीड़, क्योंकि यहाँ कल यात्रा का आयोजन होगा। इस बार तीन दिन का रखा, कभी हम लोग 5 दिन का रखते हैं, कभी 3 दिन का रखते हैं। तो इस बार हम लोगों ने छुट्टी के हिसाब से 3 दिन का रखा हुआ है। ये मिशन ही ऐसा है कि यहाँ के सबका मन बदल ही जाता है। ये हमारे प्रभुपाद जी का मिशन है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, चलता है। इसलिए इस ये मिशन को मैं आके ही हमारा अपने आप ही मन बदल जाता है, क्योंकि ये कोई वो नहीं, ये प्रमाण देता है ये संस्था। छोटे छोटे बच्चे बड़े ही दिल से भगवान के स्लोगन को गाते हैं। जहां किताबों की छोटी सी कहानी भी बच्चों को याद नहीं होती, वहीं ये बच्चे पूरा पूरा स्लोगन का मतलब भी समझा रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभाव मता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बृधा भावो समन्विता। इस श्लोक का अर्थ है, मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का कारण हूँ, मुझसे सब वस्तु उद्भूत हैं। जो कोई ये जान लेता है वो मेरी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। हरे कृष्णा। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। इस श्लोक का अर्थ है, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। मत परंतरंग नान्यक्ति क्रीदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोक्त सूत्रे मनेगना इव। इस श्लोक का अर्थ है, धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। विद्या विनाये संपन्न ब्राह्मण गोविस्तनी सुनी चाहे सपा के चो पंडित क्षमा दर्शिना। इस श्लोक का अर्थ है, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तु विज्ञान के कारण एक तथा विनय ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चंडल को समान दृष्टि से देखते हैं। हरे कृष्ण। अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानता है वे मेरे प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। जम्मा किचरे गुरु किचरे सामो भेजा हुजूर सभा मामा का पांडव सेवा किंग का कुलपस चंदया। हरे कृष्णा। विद्या ने संपन्न माम ने गव्यस्तिनी सुनी के चो सुबा के चो पंडित समोदर्शिना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।